इनके सरप्राइज ही नहीं खत्म हो रहे, फिर एक सरप्राइज कर दिया। अभी मेरे लिए प्लांट लेकर आए थे, अभी मैं बताती हूँ अभी क्या है। मॉर्निंग जी, उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे। और आज है मेरी वॉक का सेकेंड डे। तो कल मैंने बढ़िया से वॉक करी, काफी ज्यादा किलोमीटर्स कवर किए। आज भी मेरा टारगेट है कि मैं एक घंटे में कुछ 4 किलोमीटर कवर करूं। तो निकल रहे हैं वॉक के लिए, समय हो रहा है 7। आज हम आधे घंटे पहले निकल रहे हैं, तो फिलहाल चल रहे हैं वॉक के लिए, जाएंगे बाहर क्योंकि बोर हो जाते ना एक जगह से वॉक करते करते। तो आज थोड़ा सा बाहर का एरिया कवर करेंगे। और लास्ट मैंने कल कवर किया था कुछ 4 किलोमीटर एक घंटे में, आज मैं ट्राई करूँगी थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ, तो लेट्स सी कितना होता है। तो जल्दी निकले थे और ये देखिए मौसम कितना सही हो रखा है, मस्त फॉग हो रखा है और हो रखा है ठंडा भी, पूरा ब्लर। दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ कोयरा ही कोयरा दिखेगा आपको। और ये है नाइट कैफ़े, इसका नाम नाइट कैफ़े है, ऐसी छोटी सी शॉप है। तो इधर मस्त रात भर ये ओपन रहता है और ये टैक्सी वगैरह से आप आइडिया लगा ही सकते हो। तो चाय के लिए आप कभी भी आओ 12-1 बजे, तो ये आपको ओपन मिलेगा। यंगस्टर का क्राउड ज़्यादा रहता है यहाँ पे रात में। हमारी वॉक का 50% हो गया है डन, अराउंड 2 किलोमीटर्स हो गए हैं कुछ 25 मिनट में। तो मुझे लगा था कि शायद मेरे दोस्त आएंगे, बट ये पूरा पार्क खाली हुआ है, कोई भी नहीं आया। अब टेक्स्ट करके पूछूंगी कि शायद हो सकता कहीं और तो नहीं करने लगे, क्योंकि मैं खुद भी बहुत टाइम बाद आई हूँ। और जब मैं निकली थी सुबह तो काफ़ी डल था, मतलब लग रहा था इतना कोहरा है, ठंड है। पर जैसे जैसे वॉक करी, बॉडी में जब गर्माहट आई तो मोटिवेशन आया कि नहीं नहीं अभी तो मस्त लग रहा है, अभी हल्का एकदम मस्त स्वेटिंग हो रखी है, रनिंग वगैरह भी कर ली है। तो अब यहाँ से घर पहुँचने में भी मुझे लगेगा कुछ 15 मिनट। तो मुझे लगा था कोई आएगा तो हेलो हाय कर लेंगे, बट यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम पापा निकलते हैं। इधर पीछे RSS वालों की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है और पार्क में भी काफ़ी कम लोग हैं क्योंकि कोहरा है और ठंडा भी गजब का, इस वजह से शायद लोग नहीं आए हैं। हम आ चुके थे घर वापस और जो हमने टारगेट अपने लिए सेट किया है, हुआ है रोज़ कि मुझे 4 किलोमीटर कवर करना है, वो हमने फाइनली अचीव कर लिया है। कुछ 54 मिनट में 4 किलोमीटर्स कवर किए हैं और कुछ 630 कैलोरीज लॉस करी है। सो फिलहाल आंटी भी आ गई हैं, झाड़ू पोछा हो रहा है और शिवाय अभी भी मस्त सो रहे हैं। इनको मैं दूध की बॉटल दे दूंगी ताकि ये थोड़ी सी और थोड़ी देर और सोते रहें, क्योंकि मुझे अभी नाश्ते की तैयारी करनी है और नाश्ते अगर ये उठ गए तो नाश्ते में हमारी देरी हो जाएगी। फटाफट अपने बाकी के काम निपटाते हैं। तो फिलहाल नाश्ते की तैयारी कर दी है, दूध चढ़ा दिया है, पास्ता चढ़ा दिया है, फिर हमारी मसूर की दाल। एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल में ना विटामिन सी होता है, फाइबर होता है और इसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हेल्प करता है फूड डाइजेशन में। तो दिस इज वेरी गुड सोर्स फॉर हेल्दी डाइजेशन। एप्पल्स कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आप रोज एक एप्पल खाइए, मस्त गुलाबी गुलाबी गाल बनाइए। और मैं शिवाय को ये छोटे छोटे 2 एप्पल स्मूदी बना करके दे देती हूँ, उसमें कुछ नहीं करना है, बस पहले ये एप्पल को ये छिलका हटा के काट लेती हूँ, मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दूंगी और डेट्स, इसको चला करके बाद में दूध डालती हूँ, तो वो मस्त चाव से खाता है। अभी अपने बच्चे को ट्राई करिएगा, दीजिएगा, उसको टेस्ट अच्छा लगेगा।
हमारी चल रही है वेट लॉस जर्नी, तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो हम बनाने वाले हैं आज सूजी का पास्ता, उसमें भर भर के वेजिटेबल्स डालूंगी मैं। वेजिटेबल्स से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसी बहाने कम से कम वेजिटेबल्स चली जाएगी शरीर में। और पूजा भी हम रुक के करेंगे कि पहले हम नाश्ते की तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर दिमाग में एक टेंशन बनी रहती है, नाश्ता बनाना। पूजा सुकून से करनी चाहिए और शिवाय अभी भी सो रहा है, तो फटाफट अपने सारे काम निपटा करके की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने सारी वेजिटेबल्स काट ली हैं। मटर है और मशरूम है, कैरेट है और कैप्सिकम है, बीन्स है। तो इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने से जो भी थोड़ा बहुत कच्चा पिच्चा रह जाता है वो फिर नहीं होता है, क्योंकि शिवाय भी खाता है इसलिए इनको बॉयल करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। वेजिटेबल पास्ता, तो तेल हमने चढ़ा दिया है, प्याज वगैरह काट दिया है, लहसुन भी जाएगा, ये मैं ज़रूर डालती हूँ पास्ते में। और इधर हमारी सारी वेजिटेबल्स हो रही हैं बॉयल, हल्का सा बॉयल हो जाएंगी तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी और मज़ा आता है खाने में। तो वेजिटेबल और पास्ता दोनों की क्वांटिटी सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल कम है पास्ता ज़्यादा है, मैंने दोनों बराबर रखा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ कि आपकी बॉडी में एक लार्ज अमाउंट में वेजिटेबल जाए, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट मिलने हैं जिस जिस वेजिटेबल से वो अपनी बॉडी में चला जाए, इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और खूब सारी वेजिटेबल्स आप भी डालिए अपने पास्ते में। रामबाण मसाला, इसको आप मस्त इसमें पास्ते में डाल दीजिए, अलग सा टेस्ट आ जाएगा। जैसे इसका नाम है ना, मसाला मैजिक, वैसे सही में मैजिक का काम करता है। बढ़िया सा इसको डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो टेस्ट बन जाएगा, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ उसमें। मील, और हमने दोपहर के मील में मस्त खूब सारी म्यूसली विद दिस काउ मिल्क, और इसके साथ चल रहा है हमारा आर्या सीजन 3, क्योंकि डैडा गए हुए हैं ऑफिस तो ज्यादा काम है नहीं, इसलिए हम लोग टीवी देख रहे हैं और मील इंजॉय कर रहे हैं। मस्त ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें ढेर सारे। शिवाय का ठंडक वाला तेल, ठंडक तो जाने वाली है बट अभी भी थोड़ा बहुत जकड़ा रहता है बच्चों को, तो इसीलिए मैंने ये बना लिया। खत्म हो गया था इनका ऑयल, तो इसमें मस्त मैंने मेथी, कलौंजी, अजवाइन और लहसुन डाला, और ये मेरे घर का पुराना 2 साल पुराना तेल है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है नॉवेल पढ़ने का, तो ये नॉवेल इनके डैड पढ़ रहे हैं इसीलिए लगे हुए ये भी पढ़ने में। 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ फिनेंस से रिलेटेड है? नो, व्हाट? नो, फिनेंस से रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है। कितना लेट कर दिया यार ऑफिस से आने में, रोज 4:30 बजे आ जाओगे। अरे सामान उठा लेने को, अभी कुछ लाया हूँ। क्या सामान? अरे खाने का सामान। ओए ओए, ओ माय गॉड, सो इट्स अ वैलेंटाइन का वो वीक चल रहा है। ओ वाओ, इट्स अ पीस लिली क्रूटॉन। ये बेडरूम के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। वो माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। पता है तुमने मुझे पहली बार प्लांट दिया? अरे चलो, अरे सीरियसली, मतलब ऐसा सरप्राइज वाला प्लांट पहली बार दिया है। वैसे दिला देते हो चल के, वो बात अलग की है, पर ये बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। वाओ, और एनिवर्सरी गिफ्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे और भी मिल चुका है मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट, बट ये बहुत ही प्यारा है। और ये पता है बेडरूम के लिए बहुत अच्छा होता है, वास्तु के हिसाब से भी ये बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। इनके सरप्राइज ही नहीं खत्म हो रहे, फिर एक सरप्राइज कर दिया। अभी मेरे लिए प्लांट लेकर आए थे, अभी मैं बताती हूँ। अभी क्या है, एनिवर्सरी कल है, बट एनिवर्सरी पहले से, एनिवर्सरी के पहले जो प्री गिफ्ट होते हैं वो चल रहे हैं अभी। वैलेंटाइंस डे पे बहुत ही स्पेशल हो रहा है। दिखाती हूँ क्या है, केक भी आ गया है, बटर स्कॉच फ्लेवर है ये। वाओ, सरप्राइज पे सरप्राइज। वाओ, बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी है मम्मा दादा की, है ना? ये हैप्पी बर्थडे टू शिवाय, हैप्पी बर्थडे टू शिवाय, वेरी नाइस।
ऐसे करो ऐसे निकालो मम्मा को खिलाओ पूछ पूछ आशीर्वाद खिलाओ।